कांग्रेसी नेता और मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने आज मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उनके रामपुर जाने से लोग सियासत में अपना धरातल तलाशने लगे हैं, जिसका प्रमाण कल मुरादाबाद में उस समय सामने आया जब सपा के नेता आजम खान के लिए तख्ती पोस्टर लेकर सड़क पर आए। मैं अगर रामपुर आजम खान के घर गया तो लोगों को सही रास्ते और खड़ा होने के लिए मजबूर करने के लिए गया, और जहां तक उनकी बात है वो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। रामपुर जाना एक व्यक्तिगत मुलाकात थी। हाँ, मेरे जाने के बाद से इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। मुझे खुशी है मेरे जाने के बाद सियासत हो रही है। जो पार्टी उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही थी वो मजबूर होकर सड़क पर उतरी पूरे प्रदेश में, और आज पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे रामपुर उनसे मिलने। मेरा जाना सफल रहा, मैं जिस मकसद से गया था वो सफल रहा। आज रामपुर में अखिलेश यादव के दौरे पर पूछे गए सवाल पर बोले कि अच्छी बात है वो मेरे पुराने परिचित है, लेकिन बस मैं यही कहूंगा बहुत देर करती मेहरबान आते आते। आज इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद के शायर कशिश वारसी की माता के इंतकाल के बाद उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। मेरा संसदीय क्षेत्र है, आज मैं कशिश भाई के घर आया हुआ हूँ। इनकी अम्मी का इंतकाल हुआ था, मैं मिट्टी में नहीं आ सका था, तो मेरा फ़र्ज था कि मैं पहुँचूँ, और मैंने जामा मस्जिद नमाज़ पढ़ी, फिर यहाँ हाजिर हूँ। और भी लोगों से कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम हैं, मुलाकातें हैं। मैं परसों गया था वहाँ पर, कल नहीं, और मेरे परसों जाने का असर ये रहा कि कल तख्तियाँ आपको सड़कों पर दिखीं, लोग सड़कों पर दिखे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं नया धरातल तलाश रहा हूँ या फिर मेरी वजह से लोगों को धरातल पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। मैं लोगों को सही रास्ते पर सच्चाई के साथ खड़े होने पर मजबूर करने के लिए गया था। मैं कोई नया धरातल नहीं तलाश कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, और कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है। क्या ये कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी जी ने एक तरकस का तीर निकाला 2022 के लिए रामपुर पहुंच गए नहीं? देखिए, आप उस एक व्यक्तिगत मुलाकात को सिर्फ सियासी मुलाकात मत समझें। हाँ, मेरे जाने के बाद सियासत हो रही है, लेकिन मुझे खुशी है, ऐसी सियासत होनी चाहिए कि मैं गया और उसके बाद वो पार्टी जो उनके साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही थी वो मजबूर हो करके कल सड़क पर उतरी पूरे प्रदेश में, और आज पूर्व मुख्यमंत्री महोदय भी पहुँचे, तो मेरा जाना सफल रहा। मैं जिस मकसद के तहत गया था वो मकसद सफल रहा। आपसे 30 किलोमीटर दूर अखिलेश यादव जी बैठे हैं, नहीं? अच्छी बात है, अखिलेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे पुराने परिचित हैं, और अच्छा है कि वो आ जाए, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते।